नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में ANM समेत 45,000 पदों पर परमानेंट भर्ती अगले माह से शुरू। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, मैं आप लोग को वो दिखा रहा हूँ। ANM के 15,089 पद हैं, स्टाफ नर्स के 6298 पद हैं, फार्मासिस्ट के 3672 हैं दोस्तों, और एक्सरे टेक्नीशियन के 803 हैं, OT असिस्टेंट के दोस्तों 1326, लैब टेक्नीशियन के 3080 और CHO के 45 और अन्य भी इसमें पद हैं दोस्तों, जैसे प्रोफेसर और डॉक्टर समेत जो है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों यह भर्ती जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 45,000 पदों पर परमानेंट बम्पर भर्ती होने वाली है। अक्टूबर माह में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन संबंधी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, सर मैं इस राज्य से हूं, क्या यहां पर वैकेंसी निकली तो भर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों भर सकते हैं, बस आपको जो है एक NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे आप तुरंत जो है ANM के अभ्यर्थी हुए, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, जैसे ये जिस भी राज्य से निकलेगा दोस्तों, वहाँ पर क्या है, मेडिकल फैकल्टी, नर्सिंग मेडिकल फैकल्टी से जो है रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो आपको जो है मौका दिया जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, उसके बाद में आपको मौका मिलेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग से पहले आपको वहां पर ट्रांसफ़र करा लेना पड़ेगा, ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियाँ होंगी। अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जिलों से मांगी गई रिक्तियाँ एक महीने में आयोग को भेजी जा सकती है। पदों की रिक्तियाँ 50% आरक्षण सीमा के आधार पर होगी भर्ती। इन पदों पर होगी नियुक्ति। सहायक प्राध्यापक 1339 पद हैं, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी 3523 हैं, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा 1290, दंत चिकित्सक 64, सिस्टर ट्यूटर 362, नर्स स्टाफ नर्स 2,62,98। ANM सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ANM की सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के ही अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो ANM के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 1589 किसी भी राज्य की ANM है या फार्म अप्लाई कर सकती हैं। फार्मासिस्ट 3637, एक्सरे टेक्नीशियन 803, OT असिस्टेंट 1326, ECG टेक्नीशियन 163, लैब टेक्नीशियन 3080, ड्रेसर 1562 और CHO संविदा पर है 4500। दोस्तों फार्मासिस्ट का पद 3637 से 3672 नहीं है, 3637 ही है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहां से देख सकते हैं, पटना से खबर है, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित दर्जन भर पद हैं। अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर कर रिक्तियाँ मांगी थी, मगर बढ़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद फिर विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर ही रिक्तियां भरने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर रिक्त आने भी लगी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जून में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की समीक्षा की थी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मिशन मोड में चिकित्सक और नर्स सहित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा कराएं। पिछले दिनों 770 दंत चिकित्सकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। दो दिन पूर्व मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। आरक्षण के पेच में बहाली में हो रही देरी, स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर अंत तक सभी 45,000 पदों पर बहाली पूरी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आरक्षण के पेच के कारण बहाली प्रक्रिया पूरी होने में देर हो रही है। दंत चिकित्सक, नर्स, ANM, GNM, CHO और पैरामेडिकल सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। दोस्तों अब जल्द ही जो है नियुक्ति भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया पोस्ट है दोस्तों। 45,000 से लमसम जो है दोस्तों पद हैं 45,000, और पदों की संख्या मैं आप लोग को बता दिया हूँ। किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं, फार्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, और आप वहाँ पर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। और जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और
उसके बाद आप लोगों को फिर मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अक्टूबर में यह पद जो है बहाल हो जाएंगे, सब कुछ रिक्तियां मांगी गई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।